हेलो गाइस, आज हम यूरोकोर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं। यूरोकोर्डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। अब इसको हम ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो ट्यूनिक की बनी होती है। इसकी सेल की आउटर कवरिंग ट्यूनिक की बनी होती है। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है हर्शमेनिया। इसको यूरो का मतलब, अगर हम इसको यूरोकोर्डेटा वर्ड को डिवाइड करें तो यूरो का मतलब होता है टेल और कोर्डेटा का मतलब होता है नोटोकोड। टेल के अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट हो लार्वल स्टेज में उसको हम यूरोकोर्डेटा बोल देते हैं। यूरोकोर्डेटा की मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि टेल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है और वो भी लार्वल स्टेज में। अब इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स का क्या है कि यूरोकोर्डेटा एक सब फाइलम है जो किसके अंडर आता है, कोर्डेटा के अंदर। इसकी 2000 स्पीशीज पाई गई हैं। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं, हैबिट और हैबिटेट के बारे में कि ये कैसा होता है। मैराइन होता है और सेसाइल होते हैं। ये परमानेंटली पैलियोजोइक होते हैं। पैलियोजोइक का मतलब होता है जो हमेशा पानी में रहते हैं, मतलब सीज में, रिवर्स में, इन सब में रहते हैं। इन ये हर जगह पाए जाते हैं, मोस्टली जहाँ पे भी सीज होंगी, पानी का पानी ठहरा हुआ होगा ना, वहाँ पे ये ज़रूर मिलेंगे। तो कोई स्पेशल प्लेस नहीं है जहाँ पे ये मिलेंगे। एडल्ट्स जो हैं वो मोस्टली डिजनरेटेड होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। एडल्ट्स डिजनरेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ये जो कोर्डेट्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो इनकी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं और ये एडल्ट में चेंज होते हैं, तो वो सारे के सारे कोर्डेट के करेक्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सिर्फ एक करेक्टर बना लेते हैं। और ये बाकी के लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं सारे करेक्टर। कोर्डेट्स के चार मेन करेक्टर्स थे, टेल प्रेजेंट होना, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होना, और क्या था, वेंट्रल वो था, नर्व सिस्टम था, और नोटोकोड प्रेजेंट होना। तो ये सारे के सारे इसके किसके अंदर, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है वो सारे सारे डिजनरेट हो जाते हैं और एक अनसेगमेंटेड, एक ही उन सब से मिलके एक करेक्टरिस्टिक्स बना लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसका कि नोटोकोड जो है वो टेल के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेजेस में। ये सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स है इसकी। जो टेल के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है इसकी वजह से इसका नाम हमने क्या दर दिया, यूरोकोर्डेटा। और कुछ दूसरे फीचर्स है जैसे कि नर्व कोड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, एनल टेल, ये सब कुछ इसकी लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होता है। और ये इन सब को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ एक ही रिटेन कर लेता है अपनी एडल्ट स्टेज में। इसके अंदर सिर्फ एक ही होती है, वो क्या होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। बॉडी जो है वो एनवेलप्ड होती है किसके अंदर, एक फ्लेक्सिबल ट्यूनिक वॉल होती है, इसलिए हम इसको ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं। जो ट्यूनिक होती है उसका मटेरियल यूनिक होता है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वो सेलुलोज जैसे से बनी होती है और सेलुलोज क्या होता है, एक प्लांट मटेरियल होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि एनिमल के अंदर प्लांट मटेरियल हो, लेकिन ये सेलुलोज से, ट्यूनिक की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स है वो सेलुलोज से मिलती हैं। तो इसलिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि सेलुलोज प्रेजेंट होता है, लेकिन ये है कि सेलुलोज से मिलता जुलता एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए ट्यूनिक का मटेरियल यूनिक होता है। इसके फ्री एंड पे दो टाइप के पोर्स होते हैं, सबसे पहला माउथ और सेकंड एट्रियोपोर। इसमें सिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री होती है, बायलेटरल में तो इक्वल हाफ हो जाता है, एसिमेट्रिकल में इक्वल हाफ डिवाइड नहीं होगा। ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उस पर एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि बहुत लार्ज होती है, और आगे चल के वो क्या बनाती है, फेरिंग्स बनाती है। इसमें फिल्टर्स होते हैं, इसमें सीलरी फीडिंग होती है, मतलब जैसे सीलिया की हेल्प से फीड करते हैं, फिल्टर करके फूड को पहुंचाते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो या तो बॉडी सर्फेस के थ्रू, मतलब ट्यूनिक के थ्रू होगी, या फिर फेरेंजियल स्लिट्स के थ्रू होगी। ब्लड वास्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है, हमारा क्लोज टाइप होता है, मतलब नर्व्स के थ्रू जाता है ब्लड। इसमें नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती तो इसलिए इसमें ओपन टाइप होगा। हर्ट इसका कैसा होता है, सिंपल होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेंट्रल टाइप होता है। ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते। एक्सक्रीशन जो है वो न्यूरल ग्लैंड्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है, या फिर पाइलोरिक ग्लैंड्स के थ्रू, या फिर नेफ्रोसाइट्स के थ्रू। ज़्यादातर कोर्डेट्स के करेक्टर्स जो हैं वो लार्वल स्टेज के टाइम पर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं मोस्टली, और कुछ स्पीशीज जो हैं वो यूनिसेक्सुअली नोटिस्ड की गई है, सिर्फ कुछ स्पीशीज जैसे कि होलोजोआ, डिस्टेपेलिया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, बाहर होती है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है सी वाटर के अंदर। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। वो कैसे होगा, अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इसमें क्या होता है, प्रोटोजीनियस फीमेल ओवरी होते हैं, फीमेल ओवरी मेल स्पर्म से पहले डेवलप्ड हो जाती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू होती है। डेवलपमेंट जो है वो उसमें लार्वा कंसिस्ट करता है, डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्टली होती है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, अडल्ट के अंदर सिंगल डोर्सल गैंग्लियन का होता है। थैंक यू गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे।